पाकिस्तान में सिखों के अहम चेहरे सूरन सिंह की हत्या कर दी गई। इसके बाद सिख समुदाय के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में विरोध की लहर देखी जा रही है, गुस्सा भी देखा जा रहा है। नवां शहर पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी विदेशों में सिखों पर हो रहे हमलों की निंदा करते हुए ऐसी घटनाओं पर दुख जाहिर किया है। दूजे मुल्क यूपी की गवर्नमेंट सीधा तो गल नहीं, देखो सिस्टम सेंटर दैंसियां ज सेंटर के मिनिस्टर वो सूबे दिया गल असी जो भी कोई इंसीडेंट हों बड़ा दुख है उन्होंने बेनती करते हैं कि ये देते भी बड़ा दुखदायी घटना। तो वरिष्ठ पत्रकार संजय गोयल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तमाम प्रतिक्रिया आ रही हैं, चाहे एसजीपीसी की ओर से प्रतिक्रिया आ रही हो, चाहे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल हो, तमाम दूसरी जगहों से प्रतिक्रिया आई हैं। सभी लोग बेहद नाराज, सिख समुदाय बहुत नाराज है, इसके अलावा आम हिंदुस्तानी भी यहाँ पर दुखी है। इस तरह से सिखों पर पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा है, बार बार ये मांग उठाई जाती रही है पाकिस्तान की सरकार से कि जो अल्पसंख्यक वहां पर हैं, जो सिख वहां पर हैं, जो हिंदू वहां पर हैं, उनकी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जाए, लेकिन इसके बावजूद जो है अत्याचार वहां पर कम होते दिखाई नहीं पड़ रहे। यही मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है अपने वायदे पे मतलब पूरी तरह से क्या कहें कि किसी मतलब 15-20% भी खरा नहीं उतर रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि अगर भारत अगर उसको पूरी तरह से उनको सपोर्ट करता है मुसलमान को या जो भी यहाँ रहते हैं वहाँ उनको अपना नागरिक मान के उनको पूरी तरह से उनकी हर तरह से मदद करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, तो ऐसे ही पाकिस्तान में जो वहाँ के लोग रहने हैं बचपन जीवन जहाँ उनका बीत गया तो उनको भी वहाँ की सरकार को भी चाहिए कि वहाँ के लोगों को अपना मानते हुए उनके हितों की रक्षा करें। पाकिस्तान में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर जो जुल्म या प्रताड़ित किए जा रहे हैं उसका एक उदाहरण और बताना चाहूँगा। लोग वहाँ के जुल्मों से परेशान होकर लोग यहाँ पलायन कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ हजारों परिवार जो हैं आज जो है जो पाकिस्तान में रह रहे थे अपना वहीं पले बड़े पैदा हुए और वहाँ की प्रताड़ना से लोगों के मुसलमानों के उससे जुल्मों से दुखी होकर जो है आज जोधपुर और दिल्ली में मेरी जानकारी के मुताबिक कई हजार परिवार जो है आज शरणार्थी हैं, परिवार जो उनसे दुखी हो गए हैं, जहाँ उनके जैसा कि हमें बात करने से पता लगा कि उनकी महिलाओं पर इतने अत्याचार किए, उन्हें मजबूर किया गया कि भाई मुस्लिम से शादी करो या ऐसे नहीं करोगे तो और तरह से मारा पीटा जाता था, या उनके परिवार के किसी जो व्यक्ति को उठा के ले जाते थे उन्हें आतंकवादी बनने के लिए मजबूर किया जाता था, तो वो किसी तरह अपने आप को वहाँ से पाकिस्तान से पलायन कर यहाँ दिल्ली में शरण लिए हुए बैठे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है, इसमें सरकार को चाहिए कि इस तरह के मामलों को गंभीरता से ले। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, जो सूरन सिंह जी हैं वो हमारे प्रोफेशन से भी जुड़े हुए थे जी, वो एक साथ साथ टीवी एंकर भी रहे हैं जी। तो ये हमारे लिए और भी गंभीर विषय बन जाता है कि भाई इस मामले को उठाया जाए और ये मीडिया पे भी कहीं ना कहीं किसी तरह से कहा जाए तो उसको भी टारगेट किया गया है। बिल्कुल, डॉक्टर थे, टीवी एंकर थे, इसके अलावा कहीं ना कहीं वो प्रशासक भी थे और जुड़े हुए थे सरकार के साथ भी, इसके बावजूद उन पर हमला होता है। ये कोई आम सिख नहीं थे, सरकार से जुड़े हुए थे, दो बड़ी बड़ी पार्टियों के नुमाइंदे रह चुके हैं। इसके पहले उन्होंने 9 साल तक जमात इस्लामी पाकिस्तान में वो शामिल रहे, उसके बाद तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। इस सियासत की बुलंदी पर आने के बावजूद उन पर हमला किया जाता है, पाकिस्तान की ओर से ड्रामे किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा, वहां पर सरगर्मी से तलाश भी की जा रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि वहां पर जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं उनको सुरक्षा देने में पाकिस्तान पूरी तरह से नाकाम है। भारत सरकार किस तरह का विरोध दर्ज कराया पाकिस्तान के सामने? देखिए मैं इसमें ये बता दूं, ये सूरन सिंह जी को कोई सीधा डायरेक्ट उन पर गोली मारकर उनकी हत्या नहीं की गई है, इससे पहले उनको कई जो हमें जानकारी है इससे पहले उन्हें वहाँ का मुजाहिदीन जो संगठन है आतंकवादी संगठन है उसकी तरफ से इनको धमकियाँ भी मिलती रही हैं कि भाई आप जो है हिंदुओं खासकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो है उनकी मदद में उनके हितों की रक्षा के लिए आप जो है जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उस पर इतना ना करो, उनको कई बार रोकने की कोशिश की गई, धमकियाँ भी दी गई लेकिन वो फिर नहीं माने। परिणाम स्वरूप जब लगा कि आतंकवादी वहाँ के आतंकवादी संगठन को लगा कि भाई इनको नहीं रोका गया नहीं रुक रहे हैं, हमारी धमकियों का भी कोई असर नहीं हो रहा है, तो परिणाम स्वरूप उनको अपनी जान से
जान गंवानी पड़ी। जाहिर सी बात है बहुत हिम्मती थे, बहुत दिलेर थे, उनके बारे में कहा जाता है कि डरने की बात तो कभी आई नहीं, लगातार धमकियां उनको मिलती रहती थी, लेकिन कभी आज तक डरे नहीं, कभी पीछे हटे नहीं, अल्पसंख्यकों के हित की बात लगातार सुरन सिंह जी ने की थी। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ पर दबाव बनता है कि वहाँ पर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। बार बार बातें करता रहता है पाकिस्तान बाहर के मुल्कों की, भारत की बात करता रहता है, लेकिन खुद पाकिस्तान के अंदर स्थिति इतनी बुरी है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बनना चाहिए। अब मुझे जो लगता है, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसा कि कभी भी किसी भी कोई घटना होती है आतंकवाद से जुड़ी होती है, तो उस आतंकवाद पे जब कहीं पाकिस्तान में कोई इस तरह की वारदात होती है तो उसमें ही पाकिस्तान सरकार की आवाज़ होती है कि भाई आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट होना चाहिए, इसका खात्मा करना चाहिए, इसका खात्मा होना चाहिए, ये बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं सरकारों की तरफ से हर तरह। पिछले दिनों जैसा कि विदेशों में भी अभी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं कि इसमें कितने लोग मारे गए हैं, फ्रांस में भी हुआ था, इसके बाद अभी हुआ जो है पिछले 10 दिन पहले एक घटना हुई जिसमें कई बेल्जियम में जो घटना हुई, तो उसके बाद भी सभी देशों की एक जो प्रमुख है उनके बीच एक मीटिंग हुई जिसमें कहा गया था कि भाई आतंकवाद के खिलाफ सबको एकजुट होने की जरूरत है और सबको मिलकर इसका मतलब खात्मा करना है। लेकिन पाकिस्तान की हर बार देखने में आया कि वो मुंह पे कुछ और होता है, पीठ पीछे उनकी कुछ और नीति रहती है, जाहिर सी बात है। तो ये पाकिस्तान को अपनी इस नीति को बदलना होगा और उसको चाहिए कि कम से कम आतंकवाद एक ऐसा नासूर बन चुका है भारत पाकिस्तान के लिए, पूरे विश्व के लिए ऐसा नासूर बन चुका है कि इसमें पूरे विश्व के जो सरकारें हैं उनको सबको एकजुट होके बना के एकजुट होके इसका खात्मा करने के लिए रणनीति बनानी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ कुलमोहन सिंह भी जुड़ रहे हैं, सिख विचारक हैं आप। गुरमोहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मैचवन न्यूज में है। पाकिस्तान में एक घटना घटी है जिसका हिंदुस्तान में काफी विरोध हो रहा है, सुरन सिंह जी की हत्या कर दी गई है, क्या कहेंगे? पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों खासकर सिखों और हिंदुओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा जो है वो हर समय समय पर लोग अपने अपने तरीके से बात को करते रहे हैं, लेकिन साफ तौर पे यह है कि पाकिस्तान ने जो आग जलाई थी वो आग में अब वो पाकिस्तान खुद जलना शुरू हो गया है और उसके अंदर सबसे ज्यादा अटैक जो है वो अल्पसंख्यकों पे हो रहे हैं। और ये जो हर सरकार की फर्ज बनता है कि वो अल्पसंख्यकों की रक्षा करे, अब भारत के अंदर भी अल्पसंख्यकों के लिए पूरी कोशिश की जाती है, वहां पर भी होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए पूरे विदेशों के अंदर, चाहे वो अमेरिका है, चाहे कनाडा है, चाहे कोई और मुल्क है, यहाँ पर मिस्टेकन आइडेंटिटी के ऊपर सिखों के जुल्म हो रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर जहाँ के सिख धर्म की बुनियाद रखी गई गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह ने, वहां पर भी सिख सेफ नहीं है। ये सबसे खास बात है कि जहां पर बुनियाद रखी गई वहां पर भी सिख सेफ नहीं है। भारत सरकार को दबाव बनाना होगा, पाकिस्तान की सरकार को भी सुनिश्चित करना होगा कि सिख उसके देश में सुरक्षित रहें। कुलमोहन जी आपका और संजय जी इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां पर बार बार पाकिस्तान की सरकार से, भारत की ओर से कहा जाता है, SGPC की ओर से कहा जाता है कि जो पाकिस्तान में सिख रह रहे हैं, अल्पसंख्यक रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। और सुरन सिंह जी की हत्या के बाद ये मामला एक बार फिर से सामने खड़ा हुआ है, पाकिस्तान की नीयत पर सवाल खड़ा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जवाब देना होगा पाकिस्तान को, आखिरकार क्यों अपने यहां रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पाकिस्तान नहीं कर पा रहा। मेरे साथ फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, मैचवन न्यूज पर लगातार खबरों का सफर जारी है।